अगर Q एक काम को इंडिपेंडेंटली 36 डेज में कंप्लीट करता है तो सेम वर्क को P और Q दोनों मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन में फोर ऑप्शन है एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट वन तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि Q एक काम को इंडिपेंडेंटली 36 डेज में कंप्लीट करता है और P Q के से कम्पेरिजन में ट्वाइस फास्ट है तो हम लोग यहाँ पर

टोटल वर्क विल बी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 36 18 वर्क डेज जो कि पी को टाइम लगता है कंप्लीट करने में वर्क को और 36 डेज जो कि क्यू को टाइम लगता है कंप्लीट करने में वर्क को 18 और 36 का एलसीएम 36 आएगा तो यहां पर हम लोग टोटल वर्क 36 यूनिट्स लिखेंगे नाउ क्यू को वर्क को कंप्लीट करने में थर्टी डेज लगता है तो यहां पर वर्क डन बाय क्यू इन अ डे लिखेंगे वर्क डन बाय क्यू इन अ डे विल बी इज इक्वल टू टोटल वर्क जो कि 36 है अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय क्यू टू कंप्लीट वर्क इज 36 तो यहां पर हम लोग 36 सिक्स अपॉन थर्टी मतलब ये वन के इक्वल होगा मतलब क्यू एक दिन में वन यूनिट का वर्क करता है तो हम लोग यहाँ वन यूनिट पर डे लिखेंगे अब हम लोग सिमिलरली वर्क डन बाय पी इन अ डे निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाई पी इन डी दिस विल बी इज इक्वल टू टोटल वर्क विच इज थर्टी सिक्स अपॉन पी को वर्क को इंडिपेडेंटली कंप्लीट करने में एन डेज का टाइम लगता है तो यहां पर हम लोग एटीन लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग टू यूनिट पर डे लिखेंगे अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दोनों मिलकर सेम वर्क को करे तो टोटल कितने टाइम में कम्प्लीट कर लेंगे तो यहाँ हम लोग निकालते हैं रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड टाइम विल बी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे

Our answer, अब हम लोग क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअ या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप